आप देख रहे हैं मेरा चैनल दरबारी किचन। तो आज रमज़ान स्पेशल में आपको मैं बताने जा रही हूँ मज़ेदार सा शेक, तो जो झटपट तैयार हो जाता है। तो फिर हम उस मैं आपको बताती हूँ उसमें से कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ये देखिए व्यूअर्स, से ये केले मैंने लिए 2 से 3, एक अदद सेब, शहद है इसके अंदर जाना है, और ये बादाम से 10। आप इसको उबाल के छील लें, गर्म पानी में उबाल लें थोड़ा सा, उसको बाद छील लें। उसके बाद 8 से 10 ये खजूरें हैं, ये चीनी है, ये गार्निश के लिए मैंने ये देखिए टूटी फूटी और थोड़ा सा बादाम लिया है, और इन सेब और केलों को मैंने छील के ये देखो दोनों को काट लिया है, और इसमें 1/2 किलो दूध जाएगा। तो चलो फिर तैयारी शुरू करते हैं मिल्क शेक बनाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप इसमें शेक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बादाम डालेंगे, बादाम डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, ये देखिए ये दूध ऐड कर दिए। अब इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन अब मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड करूँगा बादाम को, बादाम को ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर खजूरा डालेंगे और मज़ीद थोड़ा सा मैं इसके अंदर दूध डाल देंगे। इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे, इसमें ज़रूर जितनी आप ना जो खाते हैं उस हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए यार आप इसको फिर थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे जान ये देखे व्यूअर्स, ये इसको चलाएंगे, देखे व्यूअर्स अब ये शेक बन रहा है। देखिए व्यूअर्स अब ये मिल्क शेक तैयार हो गया है, अब इसको हम ग्लास में डिश आउट करते हैं। नाज़रीन अब ये मैं ग्लास में डाल रही हूँ। देखिए नाज़रीन अब इसके अंदर शहद जाएगा 1-1 चम्मच, इसको ऊपर से गार्निश कर लेंगे। देखिए नाज़रीन अभी मेरा ये शेक तैयार हो गया है, तो जो झटपट बनने वाली रेसिपी है आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये रमज़ान के लिए स्पेशल मैंने बनाई है, और साथ ही आप जो मेरे जो चैनल है ना मेरा दरबारी किचन उसको सब्सक्राइब करें और उसके बेल के बटन को भी प्रेस करें, और ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। शुक्रिया।